नमस्कार दोस्तों, आर्यभट्ट इंडिया की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि बाबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा चकताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उनमें चकताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान ब्रह्म हिम लोदी की राज्य पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।